Assalamu alaikum. Hi my YouTube family. I hope you are doing well, fit and fine. Welcome back in my new video and with my new look. Matte yellow orange shade with glitter liner. So I hope you like this makeup look. Let's achieve this makeup. Let's start this video. सबसे पहले मैंने अपने चेहरे को कर लिया था प्राइमर और अपने आईज़ को भी कर लिया था, आईब्रोज़ को भी कर लिया था शेप अप ताकि हमारा प्राइम हो जाए सेफ। कलर बोर्ड के पैलेट से मैं एक लाइटर ऑरेंज शेड लूँगी और इसको उससे अपने आईज़ को करूँगी कंट्रोल। तो अपनी आईज़ को इसे कंट्रोल करना शुरू करूँगी और सर्कुलर मोशन अपने ब्रश को अच्छे से घुमाऊँगी ताकि ये अच्छे से मेरे आईज़ हो जाए कंट्रोल। आप कंट्रोलिंग के लिए लाइटर ब्राउन शेड भी यूज़ कर सकते हैं बट इस टाइम मैं ऑरेंज एंड येलो शेड यूज़ कर रही हूँ, तो ऑरेंज शेड से मैं अपनी आईज़ को कंट्रोल कर रही हूँ। इसी पैलेट से डार्कर ऑरेंज शेड उठाऊँगी और उसको इसके साथ ब्लेंड करती जाऊँगी ताकि हमारी आईज़ में थोड़ी मजीद डेप्थ मिल जाए और ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड मज़ीद इन्हेंस हो जाए। तो लीजिए मैंने कर ली है अपने आईज़ को कंट्रोल। अब मैं येलो शेड लूँगी इसी कलर बोर्ड के पैलेट से और इसे लगाऊंगी अपने आईलेट पे। इसे अपने आईलेट पे अप्लाई कर दीजिए अच्छे से, बोथ साइड्स पे इसको आईलेट से पे अप्लाई कर लीजिए। अच्छा जी, अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अदर साइड पर भी मैं आईलेट पर येलो शेड अप्लाई कर दूँगी। लुक एट दिस, आईलेट पे येलो शेड अप्लाई हो गया है। अब हम करते हैं अपने आईज़ के नीचे का बेस कंप्लीट। आप भी कोई से भी कंसीलर या आप कोई से भी बेस की मदद से अब अपने आईज़ के नीचे की लाइन को नीट कर दीजिए ताकि आपका आईज़ मेकअप नीट एंड क्लीन दिख सके। आपके आईज़ की शेव अच्छी हो जाती है, आपने जो कलर्स अप्लाई किए हैं उससे आपका बेस जो गंदा हो चुका होता है, डस्ट आउट हो चुके होते हैं, वो फ्रेश हो जाता है। तो लीजिए मैंने कर लिया है अपना बेस फ्रेश और अब हम करेंगे अपनी वाटर लाइन पे काम। इसी पैलेट से वही येलो शेड जो हमने अपने आईलेट पे अप्लाई किया था और उसको ऑरेंज शेड के साथ मिक्स करते हुए अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर देंगे। ये मेकअप बहुत ही सॉफ्ट दिखता है और मैंने उसमें कोई ज़्यादा शिमर यूज़ नहीं किया है, सेम मैट शेड यूज़ किए हैं। तो अब करते हैं मस्कारा अप्लाई। बॉब का मस्कारा लेंगे और अपने लैशेस पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आपको वीडियोस इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। अगर जो मेरे यूट्यूब फैमिली हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बोथ साइड मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है। लुक एट दिस, कितनी ब्यूटीफुल आइज दिख रही हैं। अब करते हैं हम लाइनर अप्लाई। क्रिस्टीन का लिक्विड लाइनर है, मैं इसमें केक लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ। लिक्विड लाइनर बहुत अच्छा और परमानेंट ब्लैक जेट ब्लैक शेड देता है, इसलिए मैं इसको अपनी मेकअप में यूज़ करती हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं अपने आईज़ का विंग क्रिएट करूँगी। आप देखें, आपको आई होप दिख रहा होगा कि एक लाइन क्रिएट कर ली है। फिर इस लाइन को मैं लेके आके अपने आईज़ के जो मैंने लाइनर अप्लाई किया उसके साथ मिक्स करके और बेस को मैं फिल कर दूँगी। कोशिश करें कि इस तरह आप अपने विंग्स को क्रिएट कर सकते हैं आसानी से घर पर। मैं अब लाइनर की भी अलहदा से एक वीडियो बना दूँगी। मेरी एक व्यूअर हैं और मेरी क्लाइंट है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें लाइनर लगाना नहीं आता, तो आप लाइनर की अलहदा से वीडियो बना दें। तो इंशाल्लाह मैं लाइनर की अलहदा से वीडियो लेकर भी ज़रूर हाजिर होंगी। अब ब्लैक पेंसिल लेंगे और उसे अपने अंडर आइज़ में यूज़ कर लेंगे। गोल्डन लूज ग्लिटर लेकर और उसके अंदर सीलर में मिक्स करके हम उसे अपने आईज़ पर किसी भी थिन ब्रश की मदद से अप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने लाइनर लगाया है उसके ऊपर एक बारीक सी पतली सी लाइन क्रिएट कर देंगे और वैसे ही हम अपने लाइनर पे अंडर आईज़ में भी लगा लेंगे। अब जो हमारे लाइन में हमने विंग बनाया था उसके भी अंदर हम लगा देंगे। अगर थोड़ा सा मोटी लाइन हो जाती है तो उसे उसी वक्त ही आप साफ़ कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त वो गीली है। अब बोथ साइड पे भी मैं लाइनर के ऊपर ग्लिटर अप्लाई कर देंगी। लुक एट दिस, हमारा ग्लिटर हो गया है अप्लाई, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो चलें कर लेते अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर लेते हैं। बोथ साइड पे भी ब्रो बोन को हाईलाइट कर लेंगे। लुक एट दिस, हो गई है हमारी ब्रो बोन हाईलाइट।
अब हम करते हैं लैशेज अप्लाई। 60 लैशेज हैं, वो लैशेज कर ली हैं अप्लाई फॉर द टाइम सेविंग। अब हम अपने कर लेते हैं चेहरे को हाईलाइट ताकि कंप्लीट लुक आपके सामने। तो लीजिए, मेरा मेकअप का कंप्लीट लुक आपके सामने है। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इंस्टा पर भी हूँ और स्नैप और टिकटॉक पर भी, मेकअप विद अमरीन के नाम से है मेरा अकाउंट, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर होती रहूँगी। जब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।